चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया है, आप इसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल दिया हुआ है साधारण ब्याज का, सबसे पहला सवाल है कि 2005 में 1 जनवरी से 27 मई तक 6% वार्षिक ब्याज सरल ब्याज के दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। हमको यहाँ पे ब्याज निकालना है, लेकिन यहाँ देखिए समय किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है दर, कितना दिया हुआ है दर बराबर 6%, ठीक है। उसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है 2000 रुपया, ठीक है, मूलधन 2000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए क्या है समय, समय जो है इसको हम किस तरह से काउंट करेंगे। 1 जनवरी से कितना दिया है, 1 जनवरी से 27 मई 2005, तो 2005 चूंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी 28 दिन का पकड़ेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जनवरी तो 31 दिन का, ठीक है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, और जो मई यहां लेना होगा एक दिन कम लेना पड़ेगा, चाहे आप जनवरी में एक दिन कम लीजिए या फिर मई में एक दिन कम लीजिए, क्योंकि जिस दिन जमा किया जाता है उसके दूसरे दिन से ही ब्याज दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 27 के जगह पे हम 26 ले लेते हैं। तो टोटल देख लीजिए दिन कितना हुआ, 6, 7, 31 हो गया, 28, 1, 6, 7, 7, 1, 8, तो इसको जोड़ लेते हैं, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 16, बाकी 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 146 दिन। लेकिन ये जो दिन है इसको वर्ष में बदल लेंगे, इसलिए समय बराबर 146 दिन बराबर 146 डिवाइडेड बाय 365, और ये तब क्या हो जाएगा वर्ष। अगर ये कटता है तो काट लीजिए, 73 से कट जाएगा दो बार में और ये 5 बार में कट जाएगा, यानी ये वर्ष में बदलेंगे तो 2/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब ये समय भी निकल गया, मूलधन भी, दर भी निकल गया, अब इसलिए ब्याज हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, सूत्र बैठा देंगे। चलिए मूलधन बैठा देंगे 2000, समय 2/5 और दर कितना है, दर 6% है बैठा दिए हैं, डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो काट के अलग कर दीजिए, 1000 से कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 6 = 48 रुपया। इसका मतलब हमारा ये जो 48 रुपया आया यही ब्याज का रकम इसका होगा, तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको बना लेते। अब देखिए सवाल 3 नंबर का, अब देखिए 3 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि 8 × 3% की सरल ब्याज के दर से 960 रुपया का 1 वर्ष 3 माह का मिश्रधन क्या होगा। क्योंकि यहाँ मिश्रधन निकालने के लिए बोला है, दिया क्या क्या है, गिवन दर बराबर कितना दिया है 8 × 1/3%, इसको अगर हम तोड़ दें तो 8 × 3 = 24, 25/3 कर लीजिए, ठीक है, 25/3% इसको कर लिए है, अच्छा, और मूलधन यहाँ कितना है, मूलधन है 960 रुपया, ठीक है। समय, समय कितना है, एक वर्ष 3 माह, ठीक है, बराबर इसको 1 × 3/12 इस तरह से कर लेंगे, काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 1/4, अब इसको फिर बदल लीजिए 5/4 वर्ष, तो इसको वर्ष में जरूर बदल लेना पड़ेगा। तो वर्ष में कैसे बदले, महीना जो रहेगा उसको हम क्या करते हैं, महीना को वर्ष में
बदल लेते हैं तो डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5/4 वर्ष आ गया है। ठीक है, समय आ गया है 5/4 वर्ष। अब यहाँ पे करना क्या है, अब करना है निकालना क्या है, इसमें मिश्रधन निकालना है। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय कितना 5/4 और गुना दर कितना है, दर हो गया 25/3 बटे 100। तो ब्याज हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब इसको जो जो काट सकते हैं काट लेते हैं, 25 को 4 से काट देते हैं 100। अब 3 से ये कट जाएगा, काट लीजिए 3 एकम 3 दिया 9, 3 दूनी 6 0 काट लीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32 कट गया है, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी आ गया है 20 गुना 5 20 गुना 5 और सारा तो कट ही गया है, 20 25 100 रुपया इसका ब्याज आ गया। लेकिन यहाँ पे मिश्रधन बोला है तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है 960 और प्लस 100 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1060 रुपया, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पुल कर लीजिएगा, हम 5 नंबर का बना रहे हैं। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में क्या क्या दिया है, दर दिया है कितना, दर दिया है 5.25%। देखिए बोलता है 5.25% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज अगर इतना हो तो मूलधन निकाल, इसमें मूलधन निकालने के लिए बताया गया। तो दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है पढ़ लीजिए यहाँ पे, 2 वर्ष और ब्याज कितना दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है 840 रुपया। ठीक है, तो निकालना क्या है, यहाँ पे मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर व्हाट, चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय समय गुना दर है ना, ब्याज के जगह पे बैठा देंगे 840 इंटू 100, समय के जगह पे बैठा देंगे 2 और दर के जगह पे बैठा देंगे 5.25। ठीक है, 840 गुना 100, एक काम करिए 100 कर लीजिए ऊपर और इसका दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको काटना चाहिए, तो 5 से अगर काटे तो 5 फिर 0 होगा 25, इसको 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10। ठीक है, इसको काट दीजिए 10 बार में, अब जो है 5 से और काटिए 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 21 चौक 84 काट दीजिए। ठीक है, आ गया 40 गुना 100 गुना 2, हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, सारा कट गया तो 4 दूनी 8000 रुपया। तो इसलिए इसका मूलधन कितना निकल गया 8000 रुपया, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, अब 7 नंबर फिर 6 नंबर आपके लिए छोड़ा गया है, इसी टाइप का सवाल है इसलिए छोड़ दिया है। 7 नंबर देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में कोई मूलधन दुगुना होगा। अब देखिए इसमें तो कुछ दिया नहीं है, केवल पूछ दिया कितने समय मूलधन दुगुना होगा। तो पहले मान लीजिए, माना कि मूलधन बराबर x रुपया, इसलिए प्रश्नानुसार मिश्रधन कितना हो जाएगा, कहता है दुगुना हो जाएगा मूलधन का, तो इसलिए 2x रुपया। तो ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो बोलिए क्या क्या बैठा देंगे यहाँ पे, 2x माइनस x बराबर कितना, x रुपया। ठीक, अब देखिए दिया क्या है, 6%, तो दर बराबर 6%। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो कितने समय में, इसलिए समय यहाँ पे निकालना है, समय बराबर हार्ड वाट, क्योंकि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, बैठा दीजिए ब्याज, कितना ब्याज बैठा देंगे,
तो देखिए ब्याज x निकला है बैठा देंगे 100 और मूलधन कितना है x और दर कितना है, दर इसका 6% है, काट दीजिए इसको, इसको भी काट दीजिए, 50 कट जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, 50/3 इसको 12 दे दीजिए, 3 × 3 = 18 फिर 2 आ जाएगा 3 वर्ष, तो ये 16.2/3 वर्ष जो है इसका क्या आ गया, इसका समय आ गया, यही हो गया आंसर। अब देखिए आठ नंबर सवाल कहता क्या है, यदि किसी मूलधन का सरल वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में ब्याज कितना आ जाता है, तो 3/8 आ जाता है मूलधन का, तो यहाँ पे देखिए मूलधन मान लेना पड़ेगा, यहाँ पे मूलधन बराबर एक्स रुपया, ठीक है, ब्याज इसका कितना बोलता है, बोल रहा है ब्याज जो है मूलधन का 3/8 हो जाएगा, तो 3/8 x रुपया इसको हम लोग ब्याज लिख लेंगे, और उसके बाद क्या दिया है 6 वर्ष में, तो इसलिए समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक, इसलिए हमको निकालना क्या है दर, इस बार दर निकालना है, क्योंकि दर बराबर ब्याज गुना 100 / मूलधन गुना समय, ब्याज के जगह पर कितना बैठाते हैं 3x/8 और गुना 100, मूलधन के जगह पर कितना बैठा देंगे x और समय के जगह पर कितना बैठा देंगे 6, अब देखिए x x कट जाएगा और 3 को काट दीजिए 2 से कट जाएगा, उसके बाद 2 को काट दीजिए 50 से कट जाएगा, उसके बाद इसको काट दीजिए 25 और इसको काट दीजिए 4, यानी आ गया 25/4, तो 25/4 जब आ गया तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे, तो 4 × 6 = 24, 6/4%, और यही क्या आ गया इसका आंसर है, ठीक है। अब 8 के बाद हम लोग चलते हैं, 8 का सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, अब 9 आप बनाइएगा, हम 10 नंबर सवाल लिख के रखें, 8 के जैसा 9 है बनाइएगा, 10 नंबर दे, मूलधन दिया है कितना रुपया का, तो कहते हैं 292 रुपया का, क्या है 292 रुपया का, एक दिन का ब्याज, तो समय तो एक दिन है, तो समय बराबर एक दिन, अब दिन को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 365, ठीक है, जनरली 365 से डिवाइड लेकर के हम लोग उसको वर्ष में बदल लेते हैं, ठीक है, और पैसा यानी कहने का मतलब क्या दिया है कि ब्याज 5 पैसे, तो ब्याज बराबर 5 पैसा, अब 5 पैसा है तो इसको भी रुपया में बदलना पड़ेगा, तो रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा तो रुपया में बदल जाए, इसलिए क्या निकालना है इसमें, दर निकालो, दर बराबर व्हाट, चूंकि दर बराबर ब्याज गुना 100 / मूलधन गुना समय, चलिए ब्याज कितना है 5/100 फिर गुना 100, मूलधन कितना है, मूलधन देख लीजिए 292 और फिर मूलधन गुना समय, समय कितना, समय है 1/365, तो देखिए 1/365 यहाँ 1/365 लेकर उलटना पड़ेगा, तो इसलिए एक ही बार हम 365/1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कटता कौन कौन है, इसको ध्यान से काट लीजिए, पहले 100/100 तो कट गया, ठीक है, 5 रुपये कटेगा नहीं, 365 है तो अगर 73 से काटते हैं तो 3 × 7 = 28, 4 से अगर काट लें तो 4 × 12 है, तो 73 को काट रहे हैं तो ये 4 से कट गया, तो ये 5 से कट गया, ठीक है, कट गया, अब आ गया कितना 25/4, देखिए ये भी 25/4 आ गया, तो इसका भी आंसर 6.1/4% ही होगा, क्योंकि इसमें भी दर ही पूछ रहा है। अब देखिए एक 11 नंबर का सवाल, 11 में क्या कह रहा है देखिए गौर से, कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज अगर 168 रुपया हो तो समय निकालो, बहुत आसान सवाल, देखिए दर बराबर 8% और 600 रुपया क्या है इसका मूलधन है, मूलधन बराबर 600 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे
पूछा क्या जा रहा है, अच्छा ब्याज, ब्याज कितना दिया है, ब्याज बराबर 168 रुपया। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो समय निकालो, समय बराबर पार्ट, देखते हैं समय कितना साल निकलता है। तो समय का सूत्र बैठा दीजिए, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ब्याज की जगह पर बैठा देंगे साधारण 168, मूलधन की जगह पर बैठा देंगे 600 और गुना दर की जगह पर बैठा देंगे 8। अब इसी को काट कूट करेंगे, काट दीजिए इसको 6 से और इसको 8 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको 8 दूनी 16 8 कम 8 काट दिए हैं, 100 से काट दिए 6 आया। अब क्या है कि 8 से इसको काटे हैं तो आया 21। अब इसको 3 से काट देते हैं, 3 टू जा 6 और 3 7 जा 21, अब आ जाएगा 7/2 बराबर द्वितीया 6, 3 गुणांक 1/2 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष इसका समय आ गया, यही इसका आंसर। अब 11 नंबर के बाद सवाल आ रहा है 12 नंबर, 12 नंबर में देखिए, कोई मूलधन का सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन हुआ इतना रुपया, यानी 7100 और 4 वर्ष का मिश्रधन हो गया इतना। तो इसको देखिए इस तरह से बनाना ज्यादा आसान होगा, लिखेंगे चूंकि 7 वर्ष का मिश्रधन, अच्छा मिश्रधन है तो 7 वर्ष का मूलधन आप प्लस ब्याज इस तरह से लिख सकते हैं, ये मिश्रधन ही है, कितना है 7100 और फिर है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का मूलधन क्योंकि दोनों का मूलधन सेम है, ब्याज बराबर कितना हो गया, तो इसका दिया 6200 रुपया। ठीक है, ये बहुत भीड़ सवाल है इसलिए ध्यान से इसको देखना चाहिए। अब क्या है, दोनों को माइनस कर देते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्या होगा कि 7 में 4 गया तो 3 वर्ष मूलधन तो कट ही गया, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा इसको भी माइनस कर दीजिए, 0 0 और ये 11 में 2 गया 9 कट गया 900, तो 3 वर्ष का क्या निकला है ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज निकला बराबर 900 रुपये, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए 900 डिवाइडेड बाय 3, 300 रुपया 1 वर्ष का ब्याज निकला, इसलिए यहां इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए 7 वर्ष का अगर निकालना है तो 7 वर्ष का ब्याज बराबर 300 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 2100 रुपया आ गया। ठीक है, 7 वर्ष का ब्याज 2100 रुपया आ गया। अब अगर मूलधन निकालना चाहेंगे तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, तो बोलिए मिश्रधन 7 वर्ष का मिश्रधन कितना हुआ था, 7100 यानी 7100 और ये आया है 2100 यानी 2100, इसको माइनस करिए 5000 रुपया, तो एक आंसर हमारा निकल गया, क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है कि मूलधन और क्या निकालना है, कि मूलधन और दर दोनों निकालना है, तो मूलधन तो निकल गया। अब दर निकालने के लिए दर का सूत्र बैठाएंगे, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना सम, तो दर भी निकल जाएगा, ब्याज कितना है देखिए 2100 ब्याज है तो 2100 बैठा देंगे मल्टीप्लाई 100, अब मूलधन इसका कितना है, मूलधन निकल गया है 5000 और समय कितना बस 7 वर्ष, तो 7 यहां पे लगा देंगे। अब 00 काट लीजिए पहले और ये काट लीजिए 27 और 27 कट गया है 5000, यहां पे देखिए 10 काटेंगे 10 10 10 और फिर 10 अगर यहां से काटेंगे तो यहां क्या है 10 रह जाएगा, यानी ये 30 आएगा और फिर 5 से काट देंगे 5 6 30, यानी यहां पे आ गया दर 6% आ गया।
तो इसलिए एक आंसर हो गया ये 5,000 रुपया और दूसरा 6% इसका आंसर आ गया। और ये सवाल जो है 13 नंबर का है, इसको 13 नंबर कर लीजिएगा, यहाँ ये 12 नहीं है, ये 13 नंबर का सवाल है और यही बीपीआई नंबर का। देखिए, एक व्यक्ति एक ही समय 2,000 रुपया कहाँ कहाँ जमा किया, बैंक में तथा 2,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा किया, ठीक है, और 3 वर्ष के बाद उठाया कितना पैसा, बैंक से उठाया 2,360 और इससे उठाया 2,480, ठीक है। तब दोनों के ब्याज दर का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग हम करते हैं यहाँ पे, पहले हम करते हैं बैंक के लिए, ठीक, बैंक के लिए हम करते हैं मूलधन कितना जमा किया है 2,000 रुपया लिख लेंगे। अच्छा, बैंक से उसको पैसा जो मिला वो मिश्रधन के रूप में मिलेगा, तो मिश्रधन कितना मिला 2,360 रुपया मिला। इस तरह से ब्याज हम निकालेंगे, ब्याज बराबर 2,360 माइनस 2,000, तो इसको माइनस करने के बाद 360 रुपया आ गया। अच्छा, बैंक का दर कितना है वो भी देख लीजिए, बैंक का दर जो है, बैंक का दर कहाँ पे दिया है, बैंक का दर नहीं, दर तो निकालना है, समय दिया है, समय समय बराबर दिया 3 वर्ष, ठीक है, इसलिए इसका दर निकाल लेते हैं, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना बैठाते हैं इसका, 360 गुना 100, मूलधन कितना बैठाते हैं 2000 और समय 3 वर्ष, काट देते हैं 3 0 3 0 इसका खत्म कर लीजिए। अब यह 3 से काटिए, 12 3 36, 3 3 3 19 12 3 36 और इसको काट लीजिए तो आ गया 6, यानी इसका आ गया 6%, ठीक है। अब चले आते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, चलिए पोस्ट ऑफिस में फिर उसी तरह से मूलधन कितना जमा किया 2,000 रुपया, मिश्रधन कितना आया पढ़ लीजिए यहाँ से, मिश्रधन कितना है 2,480, इसलिए ब्याज कितना आएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी घटा देंगे, बराबर आ जाएगा ब्याज कितना 480 रुपया, ठीक है। अच्छा, समय इसके लिए भी वही है जो समय उसके लिए था, इसलिए दर बराबर इसका भी निकाल लेंगे, बताइए दर बराबर ब्याज गुना 100, एक ही बार बैठा दीजिए, ब्याज बराबर कितना 480, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन 2000, मूलधन गुना उसके बाद क्या बैठा देंगे यहाँ पे, समय बैठा देंगे, समय तो वही 3 साल, 0 0 0 0 0 0 कट गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 से 18 16, इसको भी काट दीजिए 8, यहाँ कितना आ गया 8%, इसलिए बैंक दर अनुपात पोस्ट ऑफिस दर, तो बैंक का कितना हुआ था 6, अब पोस्ट ऑफिस का कितना हुआ 8, काट के इसको निकाल लेते हैं 3:4 और यही हो जाता है आंसर। अब देखिए 16 नंबर का सवाल, 15 नंबर आप खुद बनाइए, उसी तरह का सवाल है, 16 में देखिए 1,00,000 रुपये में कुछ पैसा बैंक में और कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया है, लेकिन दर उसका दिया है, बैंक का दिया 5% और पोस्ट ऑफिस का 6% दिया, ठीक है। तो कहता है प्रति वर्ष अगर ब्याज उसको 5,400 रुपया 5,400 रुपया अगर प्राप्त हो तो उसमें किस में यानी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कितना कितना रुपया जमा किया, तो कुल रकम इसके पास है कितना, कुल रकम इसके पास 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपया टोटल है इसके पास। अच्छा, बैंक में कितना जमा किया, माना कि बैंक में जमा रकम बराबर 1,00,000 रुपया मान लेते हैं, अभी मालूम नहीं है तो, और पोस्ट ऑफिस में तथा पोस्ट ऑफिस में जमा रकम बराबर Y रुपया, ठीक है, अगर हम x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना कितना रुपया जमा किया। तो पहले बैंक के लिए हम लोग चलते हैं, बैंक के लिए, ठीक है, जिस तरह से इसके पहले वाला सवाल बना है, मूलधन कितना जमा किया 1,00,000 रुपया। अच्छा, यहाँ कह रहा है प्रति वर्ष दोनों मिला करके उसको 5,400 उठता, तो बैंक के लिए दर कितना है, दर है 5%,
समय एक वर्ष, एक वर्ष, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, टोटल कितना पैसा है, 1,00,000 रुपया, तो x प्लस वाई बराबर 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 यहाँ पे इसको समीकरण एक कर दीजिए, ठीक। अब इसका पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, काट लीजिए, आएगा x डिवाइडेड बाय 20 रुपया इसमें आया। अच्छा अब पोस्ट ऑफिस में चले आइए, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में बताइए मूलधन कितना जमा किया, y रुपया, दर कितना है इसका, तो पोस्ट ऑफिस में देख लीजिए 6% है, 6% लिख देंगे, और समय इसका भी वही होगा क्योंकि एक वर्ष के बाद उसे उतना पैसा मिलता है, इसलिए यहाँ पे ब्याज इसको कितना उठ जाएगा, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, इसको काट लीजिए, 3 कटेगा, इसको 50 से काट लीजिए, तो आएगा 3y डिवाइडेड बाय 50 रुपया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का ब्याज एक साल में कितना हुआ, तो लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना, 5,400 रुपया, ठीक है। अच्छा एक वर्ष बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस का हमको कितना कितना निकल के आया है, x बटे 20 प्लस 3y बटे 50 इजकल टू 5,400, ठीक है। यहां तक अब आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लीजिए इसका, 100 आएगा, तो 20 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस इसको 2 6y इजकल टू 5,400, क्रॉस गुना कर दीजिए, 5x प्लस 6y इजकल टू 5,400 और 0,0, 5,40,000, इसको समीकरण कर दीजिए सेकंड। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे y है तो यहाँ पे 6y, तो समीकरण एक को 6 से कर देंगे, 6 से, तथा 2 को 1 से गुना कर क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 6x प्लस 6y इजकल टू 6,00,000, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 6y इजकल टू 5,400,000, ठीक है। माइनस 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 कट गया, अब यहां पे x आएगा, इसको अगर माइनस हम करेंगे तो 0,0,0,0 और ये आ गया कितना, 10 10 में 4 गया 6, 60,000 रुपया, ठीक है। अब x का मान 1 में रख लीजिए, ठीक है, तो 1 में x प्लस y बराबर कितना दिया है, 1,00,000 रुपया, इसलिए x का मान बैठा देंगे 60,000 प्लस वाई इजकल टू 1,00,000, इसलिए y इजकल टू 1,00,000 माइनस कितना 60,000, y इजकल टू 40,000, तो इस तरह से बैंक में कितना रखा गया है, बैंक में जमा x था तो x का मान कितना निकला, 60,000, तथा पोस्ट ऑफिस में जमा रकम कितना होगा, 40,000 रुपया, 40,000, और यही क्या हो गया। अब देखिए 18 नंबर सवाल, इसमें क्या करा, बैंक का ब्याज दर 5%, दीपू 15,000 रुपया जमा किया, फिर 3 महीना बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, और इसके 3 महीना बाद 8,000 रुपया और जमा कर दिया, तो दीपू बाबू वर्ष के अंत में कितना रुपया प्राप्त किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है कि 15,000 रुपया जमा किया, तो पहली स्थिति यहां पे लिखें, पहली स्थिति में मूलधन कितना हुआ, 15,000 रुपया जमा किया। अच्छा दर कितना है,
दर 5% और समय, क्योंकि 3 महीना बाद, यहाँ देखिए 3 महीना बाद 3,000 रुपया निकालता है, तो 3 महीना का इसको ब्याज मिलेगा। तो 3 महीना इसको कर देंगे 3/12 वर्ष, इसलिए ब्याज इसका निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर 100, इसको निकाल लेते हैं। 0,0 काट के 3×12 काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 2 में कटेगा, ये 75 में कटेगा, 25 2 7% 37 375/2, 2×1=2 2×8=16 200 कितना रुपया आया है इसका, 187.50। लेकिन 3 महीना के बाद वो क्या करता है, 3 महीना बाद 3,000 रुपया निकाल लेता है। लिखेंगे चूंकि 3 महीना बाद 3,000 रुपया निकाल लिया, इसलिए 3 महीना बाद इसका मूलधन कितना होगा, इसलिए मूलधन बराबर 15,000 रुपया में माइनस कर दीजिए 3,000 रुपया, आएगा कितना 12,000। अब ये 12,000 फिर करता है, 3 महीना तक रहता है, तब फिर 8,000 रुपया जमा करता है, तो 12,000 रुपया का फिर 3 महीना समय बराबर 3 माह बराबर 3/12 वर्ष, और फिर दर तो वही रहेगा, जो दर दे रहा है वही रहेगा 5%। इसलिए अब ये जो अगला 3 महीना है, जो 3,000 रुपया निकाला है उसका अगला 3 महीना, इसलिए इसका ब्याज कितना होगा, तो चूंकि अब मूलधन तो घट गया, 3,000 रुपया निकाल लिया है, 12,000 रुपया पर चलेगा, 12,000 × 3/12 × 5/100, 0,0 काट लीजिए, 12×12 काट लीजिए 10 आया, 5×15 150 रुपया इसका ब्याज आ गया, ठीक है। और फिर अगला महीना क्या किया, 8,000 रुपया और जमा कर दिया, ठीक है, इसलिए 3 महीना के बाद 8,000 रुपया और जमा करने पर मूलधन बराबर 12,000 रुपया तो है इसके पास, और 8,000 रुपया और जमा कर दिया, तो कितना हो गया, 20,000 रुपया इस बार हो गया। अब ये जो 20,000 है, इसका जो ब्याज वो कितना देगा, तो कहते 1 वर्ष के बाद, वो देखिए दीपू बाबू वर्ष के अंत में कितना रुपया प्राप्त किया, तो 1 वर्ष, तो 6 महीना तो इसका हो गया यहाँ तक ब्याज। अब अगला जो पैसा है 2,000, इसका 6 महीना तक चलेगा, इसलिए यहाँ पे समय क्या होगा, समय बराबर 1 वर्ष में माइनस हो जाएगा कितना, तो 3 महीना + 3 महीना, कहने का मतलब कि 3+3 माह 1 वर्ष माइनस 6 माह, 1 वर्ष माइनस 6 माह बराबर कितना बचेगा, 6 माह, और 6 माह बराबर 1/2 वर्ष, इसलिए इस बार ब्याज कितना आएगा, अच्छा दर तो वही रहेगा, दर बराबर 5%, तो इस बार ब्याज बराबर कितना आएगा, इस बार 20,000 है, तो 20,000 × 1/2 × 6 महीना का हो गया, और फिर दर 5%। अब इसको हम डिवाइड करके काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 100 आ गया, यानी 500 रुपया इसमें से आ गया। अब टोटल उसका मिश्रधन कितना होगा, तो इसलिए देखिए मिश्रधन बराबर कुल मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस कुल ब्याज, यहाँ पे कुल ब्याज, इसने कि 3 बार इसको ब्याज मिला है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन इसका लास्ट में जो मूलधन है वही मूलधन इसका अपना है, तो इसके 20,000 रुपया ले लेंगे मूलधन, अब प्लस 20,000 के बाद इसको और कितना कितना मिला है, 187 रुपया पहले बार मिला है, 187.50, अब फिर मिला है कितना, मिला है 150 मिला है, और फिर लास्ट में कितना मिला है, 500 मिला है। अब सबको अगर हम जोड़ देते हैं
तो जोड़ दीजिए कितना आएगा, 007, 7 आ गया। उसके बाद जोड़ दीजिए 05, 5 5 8 5 13 का 3, बाकी 1, बाकी 1 तो उसके बाद 1, अब फिर 1 1 2, 1 1 2, इसको हम इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से हम जोड़ लेंगे 20,500, 150 और 187 जोड़ करके हम लोग लाए हैं 8 5 13 3, और फिर 5 1 6 1 7 1 8, और फिर 20,837 रुपया, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।